जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा, तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का, रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, घूरती निगाहें अब मुझे और तेजी से चुभने लगी हैं। तो तुम ये सब छोड़कर अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? अजय को ये कैसे पता चला कि तुम देवसर और नारंग से मिली हो? कहीं दोनों मैनेजर्स में से किसी एक ने तुम्हें डबल क्रॉस तो नहीं किया? मैंने अजय को एक लड़की के साथ देखा तो है। अपनी उम्र से बड़े इंसान के साथ मोहब्बत जायज है क्या? बिल्कुल जायज है कि डेविसन को ही हमें अपना पहला शिकार बनाना चाहिए। उसके बारे में और बातें पता लगा के मैं तुम्हें इत्तला करता हूँ। ओके? ओके। मैं ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ से कोई भी रास्ता मेरी मंजिल तक नहीं पहुँचता। तुम उस इंसान के इंतजार में अपनी सारी जिंदगी गुजार दोगी जो कभी लौट कर नहीं आएगा। हेलो, हाँ पीटर, उसका नाम डेविसन है, वो शारजा ओरिएंटल पिरामिड होटल का मैनेजर है। तुम यहाँ के सारे लीगल अड्डों का पता लगाओ कि वो कौन से अड्डे में खेलता है। हाँ बस इतना करो, बाकी क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बहू? जी माँ जी। बहू पूजा हो गई? जी। बेटी, तुम्हें इस तरह देखकर मेरा रोम रोम रोने लगता है। भगवान ने तुम्हें ये किस गुनाह की सजा दी है? जरूर मैंने कुछ ना कुछ किया होगा माँ जी, तभी तो। 22 साल हो गए हैं विशाल को गए, वो वहां आरती के पास भी नहीं है। पता नहीं कहाँ खो गया है मेरा बच्चा। वो आएंगे माँ जी, जरूर आएंगे। उसे आना होता तो वो बहुत पहले आ जाता। बेटी, मैं माँ होने के बावजूद दिल पर पत्थर रख कर कह रही हूँ कि वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अपने आप को संभालिए माँ जी, वो आए ना आए मैं उम्र भर उनका इंतजार करूंगी। नहीं बेटी, ये जिंदगी पार सी है, बिना साथी के नहीं गुजर सकती। मैं ये एक माँ के नाते नहीं, एक औरत के नाते कह रही हूँ। पूजा की शादी करके तुम भी अपना घर बसा लेना बेटी। माँ जी। हाँ बेटी, मुझे तेरा दुख सहा नहीं जाता। बेटी, हमें भगवान को भी तो मुंह दिखाना है। माँ जी। हेलो। हाँ दीपा, मैं अजय बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हेलो
बोलो क्या बात है? आप इतने रूखेपन से क्यों बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही। तबीयत खराब है क्या? तबीयत ठीक है। तो फिर कोई और बात है? पूजा प्लीज, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। आप तो हमेशा ही बिजी रहते हैं, इतने बिजी कि बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। पूजा प्लीज। ओके ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हम लोग आपका बर्थडे कैसे मना रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। ओके बाय। सुरे हाय। अरे दीपा, दीपा ये क्या हो गया तुम्हें? दरवाजा खोलो। दीपा अजय तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नहीं मिला जाती। पर क्यों? इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। Please go from here। मैं कारण जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। बचपना छोड़ो, दरवाजा खोलो और मुझे बताओ क्या बात है। अजय कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखी। प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पर मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। अजय तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। दीपा मेरे दादाजी से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। ये मेरा अपना फैसला है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी ने तुम्हें कुछ कहा है। उस आदमी ने मेरा सब कुछ छीन लिया दीपा, सब कुछ छीन लिया। नहीं अजय, तुम्हारी कसम, तुम्हारे दादाजी से तो मैं मिली भी नहीं हूँ। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये हम दोनों के लिए ठीक है। दीपा तुम कौन होती हो हमारे बारे में फैसला करने वाली? जब फैसला किया था तब दोस्त थे, अब ठीक है। मैं चला जाता हूँ दीपा, मैं चला जाता हूँ हमेशा के लिए। साहब खाना लगा दूं? तुमसे खाना बनाने के लिए मना किया था ना साहब। देर बहुत हो गई है, मैंने सोचा कि आपको भूख लगी होगी। तुम्हें मैंने यहाँ सोचने के लिए नहीं रखा है, और उतना ही सोचा करो जितना अपने लिए ठीक समझो। अब जाओ यहाँ से, गो अवे। देखो कौन आया। सूरज जी हैं? जी साहब घर पर हैं, लेकिन बहुत गुस्से में हैं। कौन है राजू? मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजीब इंसान है आप, ना हाय ना हेलो, बस शुरू हो गए। पूजा मेरा दिमाग मत खराब करो। तो जनाब का दिमाग भी खराब होता है। फॉर गॉड सेक पूजा, मजाक बंद करो। I'm sorry। अच्छा आप बताइए आपका मूड क्यों खराब है? तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ, क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी? Now leave me alone, will you? मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ना मैं किसी का कुछ लगता हूं। और तुम मुझसे हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो, एक दिन तुम भी मुझे तकलीफ देकर चली जाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती। अच्छा आप बताइए बात क्या है, मैं मामा को फोन करती हूँ। नहीं, उन्हें फोन मत करना। तू ऐसा ही से। I'm sorry। देखो मेरी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मैं उलझा हुआ हूँ। पूजा ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। मैं तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ।
जाओ प्लीज, मैं तुमसे कल बात करूंगा। ठीक है। या ओके। हाँ पीटर, क्या खबर है? सर, डीवी सन अमृतलाल के जुए के अड्डे पर रोज जुआ खेलने आता है। तुम लोग उसके साथ खेलना शुरू कर दो, पहले चार दिन उसे जीतने दो, लेकिन पांचवें और छठे दिन वो कर्ज में डूबा हुआ होना चाहिए पीटर। बाकी बातें मैं अमृतलाल से कर लूंगा। ओके सर। ये मैं कौन? पूजा, कहाँ चली गई थी तू? आज किस सहेली के पास थी? मामा, मैं किसी सहेली के पास नहीं, सूरज जी के पास गई थी। क्यों? मामा, मैंने उन्हें शाम को फोन किया था तो डांट कर उन्होंने फोन काट दिया। कहने लगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, जबकि साफ सुनाई दे रहा था कि वो कहीं बाहर है। आप तो जानती हो ना मैं कितनी इंक्विजिटिव हूँ। मैंने दादी माँ से कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ और उनके घर जा धमकी। फिर मामा, घर पर ना उनका मूड बहुत खराब था, इसीलिए मैं वापस चली आई। मुझे लगता है कि उनको कोई परेशानी है। मामा, आपको पता है वो क्यों परेशान है? नहीं तो आज ऑफिस से भी जल्दी चले गए थे, पता नहीं उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी। मामा, आप फोन करिए ना, वो आपको जरूर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। हाँ वो अभी नहीं, मैं कल कर लूंगी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मामा। तकलीफ पहुंचाई है तो मैं माफी चाहती हूँ। तकलीफ तो मुझे नहीं, अपने आप को पहुंचा रही हो। नहीं सूरज, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ। तुम मेरे जज्बात को कभी नहीं समझ पाओगे। नहीं सूरज, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने घर वालों का डर था। लेकिन पता है, आज माजी ने कह दिया, पूजा की शादी हो जाने के बाद मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। बस 1 साल में पूजा की शादी हो जाए, उसके बाद हम हमारे बारे में बाबूजी से बात कर सकते हैं। आई लव यू। आई लव यू सूरज। अजय, इतनी रात गए, क्या बात है यार? कुछ नहीं। तूने शराब पी रखी है? हाँ, और पीऊंगा। तेरे पास बोतल होगी ना, निकाल। तुझे हो क्या गया अजय यार? अरे यार, मुझे क्या हो गया? वो तो लोगों को क्या है, बेवफा हैं सबके सब, बेवफा हैं। अच्छा, तो तू दीपा की बात कर रहा है? चाहता था ना कि मैं उससे अलग हो जाऊं। मैं तो उससे अलग हो नहीं पाया, वो मुझसे अलग हो गई, मुझसे मिली भी नहीं, घर के बाहर से ही मुझे चले जाने के लिए कह दिया। कहती थी जिंदगी भर दोस्ती निभाऊंगी। अरे जो इंसान 2 पल साथ में नहीं रह सकता, वो जिंदगी भर का साथ क्या निभाएगा? ऐसा करके उसने अपनी समझदारी का सबूत दिया अजय।
अरे वो नहीं चाहती कि उसके वजह से तेरा नाम मिट्टी में मिल जाए। नाम परवाह नहीं है इस नाम की, और वैसे भी नाम में क्या रखा है? जानते हो मरने के बाद इंसान सबसे पहले क्या होता है? अपना नाम। कोई उस मरी लाश को उसके नाम से नहीं पुकारता, सब उसे मरियत, शव, जनाजा के नाम से पुकारते हैं, बॉडी के नाम से पुकारते हैं। और नाम की बात करता है तू? अरे तुम सब डबल स्टैंडर्ड्स के हो, सबके सब डबल स्टैंडर्ड्स के हो। भाभी जान, मेरे समझ में ये नहीं आता कि आपने शमशेरा को अकेले जाने कैसे दिया? गुल भाई, वो बेटे की खबर सुनकर बावले हो गए थे, ना आओ दिखा ना ताओ, पहली फ्लाइट से ही चले गए। शुक्र है भगवान का कि मेरे विशाल के जिंदा होने की खबर तो मिली। अब पूर्णिमा को पता है कि विशाल पुत्र? नहीं, उन्होंने उनके वापस आने तक इंतजार करने के लिए कहा है। पता नहीं वो मिलता भी है या नहीं। नहीं नहीं, वो ऐसा बात मत करो भाभी जान, अल्लाह पे भरोसा रखो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि विशाल पुत्र घर वापस जरूर आएगा। हाँ। आपके मुंह में घी शक्कर गुल भाई।